अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली की फेमस बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो कि इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर करी है और अपलोड करी है इसी बिरयानी की, तो चलिए आज नए तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेसल के अंदर हमें कुछ होल स्पाइसेस डाल देंगे, साथ ही इसके हमें नमक भी डाल देना है। इसके अंदर 5 चम्मच नमक डाल दीजिए, जो आपके घर में खाने वाले चम्मच होते हैं। उसके बाद इसमें हमने तेज पत्ता डाला है, 3 से 4 तेज पत्ते डाले हैं। इसके बाद जब पानी में बॉईल आ जाए तब आप इसके अंदर चावल ऐड कर दीजिएगा। चावल उबालने का मेथड तो सभी को वही पता होता है। तो अभी यहाँ पर एक छोटे वेसल के अंदर बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें चिकन का ऐड कर देना है, साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और फिर इसके साथ ही गरम मसाला 1 चम्मच है, घर का जो 1 चम्मच होता है ना खाने वाला, वही वाला डाला है। गरम मसाला जो है आप जो पीस के रखते हैं वो वाला ले लीजिए, या फिर जो रेडीमेड मिलता है वो भी ले लीजिए। अभी तक दही के अंदर थोड़ा सा रेड कलर हमने मिलाकर इसके अंदर डाला है, साथ ही हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसके बाद इसको ढक दें। अब हमारे चावल इधर देखिए बॉयल हो चुके हैं, 5 से 6 मिनट हो गए जब तक हमने यखनी बनाई, हमारे चावल बॉयल हो गए हैं। तो अभी हम इसको छान लेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे। इसको छानने के बाद अभी हम इसमें, जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है, तो अभी यखनी हमारी तैयार हो गई है। अभी हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा चिकन भी गल गया है, गला गला लग रहा है। बस इस यखनी को हम पूरी डाल देंगे बिरयानी के अंदर। अभी हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है, शादी है तो बस इस यखनी को डालने के बाद, इसके बाद मैं मिक्स पिकल ले रही हूँ। तो पहले एक पैकेट आप मिक्स पिकल का डाल लीजिए, 50 ग्राम्स का, और एक ग्रीन चिली का है, ग्रीन चिली पिकल है, तो एक हरी मिर्चों का अचार है और एक मिक्स है अचार, ये आपको डालने हैं इसमें दोनों। और अब मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हमने ऑयल डाला है 3 टीस्पून के करीब, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इस बिरयानी में। और साथ ही जूलियन कट की हुई अदरक लिए हमने। तो बस दम लगाने के बाद आप देख सकते हैं बिरयानी बहुत ही अच्छी दिख रही है। बस इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं बिरयानी में डालने के लिए, तो आप उसको पका कर यूज़ करें ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। तो बस ये बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।